अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे वेज ऑमलेट। ये सुबह के नाश्ते के लिए और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है और आसानी से भी बन जाता है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, आधा कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून नींबू का रस, ऑमलेट फ्राई करने के लिए तेल, रिफाइंड आप चाहें तो देसी घी में भी कर सकते हैं, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सबसे पहले एक छन्नी में बेसन, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक डालकर इन सबको अच्छे से छान लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए बैटर को इतना पतला रखना है। अब मैंने इसमें तकरीबन 350 ml पानी इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे हम पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब 5 मिनट के लिए इसे रखकर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ 25 ml पानी और ऐड किया है। अब एक पैन को गरम करेंगे और इस पर डालेंगे 2 टीस्पून तेल। अब इस पर ये तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से फैलाएंगे। अब इसे थोड़ी देर मीडियम गैस पर सेकेंगे। ये एक तरफ से सिक गया है, अब इसे पलट देंगे। और गैस को हल्का कर देंगे। ये सिक गया है, अब इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए तैयार है। इसी तरह से मैं बाकियों को भी तैयार कर लूँगी। वेज ऑमलेट तैयार है। इसे गरम गरम चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।